नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया और मैं हूं आपके साथ सत्यम कौर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम खबरों के साथ। सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश के हाथरस की। हाथरस के एक निजी स्कूल में हिंदू बच्चों से नमाज पढ़ाने के मामले में एक नया मोड़ आ गया है। इस मामले में मशहूर कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज की आपत्ति के बाद स्कूल प्रबंधन ने सफाई दी है। उन्होंने इस मामले में माफी मांगते हुए स्कूल में ऐसी घटना दोबारा ना होने का आश्वासन दिया है। रिपोर्ट देखिए। किया था नमाज पढ़ने के लिए और है ना वो ऐसे करके वो अल्लाह अल्लाह कहवा रहे थे। ये बच्चा BLS इंटरनेशनल स्कूल का है जो स्कूल प्रशासन की दास्ता बयां कर रहा है। स्कूल पर यह आरोप लगा है कि यहाँ हिंदू बच्चों से नमाज पढ़ाई जाती है। ये खबर तेजी से फैलती गई। इस घटना पर संज्ञान लेते हुए कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने आपत्ति जताई और निष्पक्ष जांच नहीं होने पर आंदोलन करने की चेतावनी दे डाली। तो मैंने एक अनाउंस किया था कि अगर 22 अप्रैल शाम 5 बजे तक उपयुक्त कार्रवाई नहीं हुई प्रशासन के द्वारा तो मैं 23 अप्रैल को हाथरस जाऊंगा और जन सैलाब के साथ जाऊंगा, जिसके देखते हुए काफ़ी भारी संख्या में, हजारों की संख्या में टेलीफोन आए आश्रम पे कि हम भारतीय बच्चों की परंपरा की रक्षा के लिए आपके साथ हैं, आप टाइम बताइए हम पहुंच जाएंगे। और हजारों हजारों लोग उसके लिए रेडी हैं, अभी भी रेडी हैं। पेपर पत्रिका सब न्यूज़ चैनल इस बात को प्रमुखता से उन्होंने दिखाया भी, कई चैनलों ने पत्रों में छपा है। पर जैसे ही ये न्यूज हाथरस प्रशासन तक पहुंची, जैसे उस दिन हमारे साथ में केंद्रीय मिनिस्टर श्री SP बघेल साहब थे, उन्होंने भी हाथरस में बात की, वहां के DM अर्चना वर्मा जी, जिनसे मेरी भी डायरेक्ट बात हुई, उनका फोन आया, बात हुई मेरी, वहां के कप्तान देवेश कुमार पांडे जी, वो काफ़ी टच में मेरे रहे इन 2 दिनों में और उनसे भी मेरी बात हुई। मैंने अपनी बात उनके आगे रखी, मैंने उनसे कहा कि किसी भी स्कूल में सनातनी बच्चों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। हम सनातनी हैं, एक्टिविटी के नाम पर भी हमारी सनातनी परंपराओं का ही निर्वाण हो, हमें ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व न किया जाए जिसका विरोध में शुरू से, जिसको मैं कल्चर टेररिज्म कह रहा हूं। आप हमारे बच्चों में एक्टिविटी के नाम पे कुछ भी अनाप शनाप नहीं करवा सकते। इस खबर के फैलते ही बच्चों के परिजन और हिंदूवादी संगठन के लोग स्कूल के गेट के सामने प्रदर्शन करने लगे और धार्मिक नारे लगाने लगे। प्रदर्शनकारियों ने स्कूल के गेट के सामने हनुमान चालीसा का पाठ भी शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों में शामिल लोगों ने स्कूल बंद करने तक की मांग कर डाली। स्कूल के सभी छात्र छात्राओं को, छोटे छोटे बच्चों को 40 डिग्री सेल्सियस तापमान में बाहर खड़ा करके, छोटी छोटी बच्चियों को बुर्का पहना करके जो फतीहा पढ़वाया गया, जो नमाज अदा करवाई गई, जिस तरह से अल्लाहू अकबर के नारे लगवाए गए और धर्म परिवर्तन की पहली सीढ़ी चढ़वाई गई, इस ये जो कुकर्म किया गया इस स्कूल में, ये बिल्कुल किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देवकी नंदन ठाकुर की अपील पर बढ़ते जन समर्थन को देखते हुए जिला प्रशासन भी आनन फानन में मामले की जांच में जुट गया। प्राथमिक जांच के बाद प्रशासन ने बताया कि स्कूल प्रबंधन ने सर्वधर्म संभाव प्रदर्शित करने के लिए इस तरह का आयोजन किया था। इसी क्रम में उनके द्वारा लब पे आती है दुआ बनके, ये दुआ कुछ बच्चों द्वारा गाई गई थी और कहीं भी उसमें वीडियो फुटेज जो प्रारंभिक जांच में देखे गए उसमें कहीं भी ऐसा कुछ नहीं पाया गया कि इस तरह की चीजें हुई हों। और शेष जो है जांच अभी पूरी की जा रही है, उसमें जैसे भी कुछ पता चलता है तो उस क्रम में कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में देवकी नंदन ठाकुर की आपत्ति और कड़े रुख के बाद स्कूल प्रबंधन ने कार्रवाई करते हुए प्रिंसिपल और 2 शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। स्कूल प्रबंधन ने एक पत्र लिखकर देवकी नंदन ठाकुर से माफी भी मांगी और भविष्य में इस तरह की घटना ना होने का आश्वासन भी दिया।
इस संदर्भ में मैं आज सारी सूचनाएं लेकर महाराषि देवकिंगन ठाकुर जी से मिला और उनको सत्य से अवगत कराया। मैं महाराषि देवकिंगन ठाकुर जी से विनती करना चाहूँगा कि उक्त प्रकरण में स्कूल प्रबंधन द्वारा आवश्यक कार्रवाई कर दी गई है तथा भविष्य में ऐसी किसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं होगी। स्कूल प्रबंधन के माफीनामे के बाद देवकीनंदन ठाकुर ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की, साथ ही उन्होंने स्कूल के खिलाफ अपने आंदोलन को भी स्थगित कर दिया। स्कूल प्रशासन के लोग भी मेरे पास कल हाथरस से आए, काफी समाज के प्रबुद्ध लोग भी आए। यहाँ के समाज के प्रबुद्ध लोगों ने भी मेरे को कहा कि आप जो कहेंगे हम वो करेंगे, लेकिन आपका वहां जाना उचित नहीं है, आप वहां मत जाइए। और वहां से हाथरस से काफी प्रबुद्ध लोग आए जिनको समाज में एक अच्छी दृष्टि से देखा जाता है। वो समाज के स्कूल के भी प्रबंधक के जो लोग हैं वो भी पधारे और उन लोगों ने भी वो जो सिचुएशन थी, उनके जो चेयरमैन हैं उनका 10 दिन 15 दिन पहले एक ऑपरेशन हुआ है, जिसके चलते उन लोगों का ध्यान वहां था और यहाँ पीछे से कोई जो टीचर्स थे उन्होंने ऐसा कार्य किया। तो उन्होंने जब सारी चीज़ें, मैंने वो वीडियोस भी पूरे वीडियोस देखे हैं और सारी चीज़ें समझी हैं, जो जो चीज़ें मुझे कमी लगी है मैंने कहा कि अगर आप इन पे प्रॉमिस करके जाएं कि आप ये नहीं करेंगे, तो उन्होंने वो सारे प्रॉमिसेस पूरे किए हैं। और प्रशासन का एक बार 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 एक ही बात का कहना था कि अभी ऐसा अवसर है प्रदेश में और ऐसा माहौल है प्रदेश में कि अगर आप सड़क पर उतरेंगे और आपके सड़क पर उतरना ठीक नहीं हमारी दृष्टि से, तो उस बात को भी ध्यान में रखती हूँ, क्योंकि देवकीनंदन किसी भी समय शासन प्रशासन को कष्ट चाहे किसी का विराव नहीं देना चाहता। तो बातें उन्होंने हमारी मानी है, जो जो चीज़ें हुई हैं वो सब मानने के लिए तैयार हैं, आगे से ऐसा कभी भी अनजाने में भी नहीं हो पाएगा, उन्होंने ऐसे प्रोमिसेस किए हैं। स्कूल प्रबंधन ने दावा किया कि हिंदू बच्चों से नमाज पढ़वाने की घटना एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का हिस्सा थी। प्रशासन की प्राथमिक जांच में भी इसी तरह की बात निकल कर सामने आई है। प्रशासन ने उस आयोजन के वीडियो की बारीकी से जांच कराने और संबंधित पक्षों से पूछताछ के बाद कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। हाथरस से न्यूज़ वॉच इंडिया के लिए होमेश की रिपोर्ट।